और जब खोलता है कुंडी तो इसको चोट लग जाती है। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं से शुरू कर दें और रात के बज गए हैं 12 और अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। चीकू को आइसक्रीम खानी है। चीकू आइसक्रीम खानी है? हाँ। कितनी? चार। मिलते हैं कुछ आइसक्रीम के साथ, तो आ जाइए हमारे साथ। चुप हो जाओ। तो गाइस मैं आप सबसे एक ही बात पूछना चाहती हूँ, क्या आपके घर में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो बात करते समय इतना सारा मुंह पे थूकते हैं? जी हैं, पीछे हैं। ये देखो भाई, हमने सारे मास्क धो दिए हैं, तो भैया टाइम पास के लिए मास्क लेके आए हैं। आप देख सकते हैं ये पाजी का मास्क है। Why to कल वाया why tomorrow? अबे वो इंग्लिश है। गेट तो चाबी में गए। तो गाइस ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। रात के बज गए हैं 12:15 यानी कि 12:15 और आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार नज़ारा। मैं रुका। कौन सा आइसक्रीम खानी है? चिरगुंडी। क्या हम चिरगुंडे मास है तो चिरगुंडी आइसक्रीम खाएंगे ना। चिरगुंडी कौन सी आइसक्रीम होती है? होती है। तो गाइस लॉकडाउन ने सबकी नींद कर दिया खराब। सुबह के बज गए हैं 4। तो कृतिका भी थोड़ी सोने की तैयारी कर रही है। सो नींद आ रही है मैडम आपको? एक सेकंड पहले मैं लेटी थी, एक सेकंड पहले। तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसे चंगेज जी हैं हमारे यहाँ पे जो अभी तक सोए नहीं है। और आपको ये भी दिखाता हूँ, उनका टीवी दिखाता हूँ आपको, रुको। तो गाइस ये आवाज कम करें प्लीज। नहीं, मेरे पास आवाज का ली है। तो गाइस म्यूट कर देना, म्यूट कर देना। तो ये सब लोग अभी जाग रहे हैं और पायल हमारे साथ ही सोती है। चीकू सो जाता है तब वहाँ थी। और ये इनका टीवी है, ये माइक चला रखा है। टीवी ये भी है पर इनको इस टीवी में ज़्यादा मज़ा आता है पास में। पायल ने अपने फ़ोन में चला रखा है। और भी चंगेजी लोग हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने गेट बंद रखा है, गेट बंद रखा है। तो ये देख लो, बंद करो गाना, बंद करो। तो ये चंगेजी लोग हैं, बंद कर दे गाना। तो अभी तक अरे बंद कर दो, ये चला दिया। सूरज भाई भी जाग रहे हैं। तो ये देखते हैं क्या करते हैं, सुबह उठते हैं 6 बजे तक जाते हैं, तो जैसे आपको अपडेट दे देंगे हम। बाकी अभी थोड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हम आँख बंद करें। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो गाइस सुबह के 6:30 बज चुके हैं और बाहर से नाश्ता आ गया है और मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि सुबह सुबह चाय बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं बस चाय रख के आपको बाहर दिखाती हूँ। और चाय में रख आई हूँ, चढ़ाए आई हूँ, मतलब पानी उबालने के लिए रख के आई हूँ। मैं लाइव पे दिखा देता हूँ कौन कौन शख्सियत हमारे साथ है। तो आप जरा इधर आ जाइए। तो लाइव पे हमारे साथ हैं संजोत नागी, जो बहुत ही फेमस कलाकार हैं टिकटॉक से, और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रेनू जी। तो रेनू जी ये ब्लॉग में आप कल मिलेंगी आपको जी। तो नमस्ते कर दें जी। जी जरूर। ये देखना भैया सारे पागल बना रखा है यार, पूरा का पूरा गटर पूरा का पूरा भर गया यहाँ पे, देखे सोच रहा भैया फिसल जाओगी यार। फिसलने का उसको साफ तो करना ही है ना। ये क्या हो गया? कुछ नहीं यार, सिंक में 24 घंटे कचरा डालते हैं, कभी चाय पत्ती कभी कुछ कभी कुछ, पूरा यार घर की सफाई करो। सफाई और ये आधे घंटे से मैं क्या लगा पड़ा, यही तो कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। ये देखो देखो भरो, ये देखो लो क्या भर रखा है। तो बर्तन तू मान जा है, एक चीज ना मैं बर्तन मानता हूँ। वो जो चाय जो सुबह सुबह बना करके चाय पत्ती सारी इसमें डाल देता है, वो कौन डालता है? चाय किसने बनाई थी रात को? मैं बनाता हूँ रात को चाय, रात को ये सारी रात जाके रहते चाय ये पीते, मेरे को शौक है चाय पीने का सारी। मैं इसमें चाय पत्ती गेरूंगा ये। तो भाई चाय पत्ती को कौन गेरेगा? तो मैं देखो बर्तन आप धोते हो? हाँ धोती हूँ। बर्तन आप धोते हो? बर्तन मैं धोता हूँ। भाई तो हम तो नहीं गेरते इसमें, सब अपना अपना बर्तन धोते ना रात को। हमारा सबका यही है ना कि जो जो खाएगा पिएगा अपना बर्तन धोएगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा भरा पड़े चाय पत्ती से। कलेश मत करो। तो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, क्या होता है ना, हम पूरी पूरी अभी तक सोए नहीं है, पूरी पूरा जागते हैं, तो किचन में कुछ ना कुछ बनता रहता है। और बाकी बात, और ये जान के पता क्यों करते हैं? ये जान के इसमें डालते हैं कि हमें बर्तन मांजने को कोई ना बोले। वजह असली ये, मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे घर का जो रूल बना है। हेलो, मेरा नाम लाना चाहो ना? मैंने नाम लिया? मैं रात में एक बच्चा बनाऊंगा। मैंने नाम लिया किसी का? तो गाइस घर का बन चुका है गटर, आप देख सकते हैं सभी लोग लगे हुए हैं और मुस्कान दूर से नज़ारा देख रही है।
तो आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। और ये मनदीप भाई है और सूरज भाई और पायल भी लगी हुई है। हेलो कृतिका जी। हेलो, कैसा लग रहा सुबह सुबह? बस यही रह गया था हमारे घर में, तो पूरी रात से हम सोए नहीं हैं, तो सफाई करके सब सोने वाले हैं। उससे पहले इनके लिए गिफ्ट आए तो करना पड़ता है, रख ले। वेरी गुड मैडम, वेरी गुड। मनदीप भाई देख सकते हैं भाई, ये एक आदमी ने काम खराब कर दिया, सारा परिवार परेशान है। जो खड़ा एक आदमी कोई बात नहीं भाई, मैंने करा ना, तो मंदीप भाई आपकी बीवी ये ब्लॉग देख रही है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? भाई फील के हुआ करा जाके मारना पड़ेगा ही, या शुरुआत होगी आज तक और के हो वन का क्यों मारा था मार। जी, बस ओनली मैंने खाना खाया तो सो गई। आपको क्या हो गया सर? गाइस, मेरे लिए बहुत ही प्यारा पार्सल किसी ने भेजा है, ब्यूटी पीपल ने मुझे बहुत प्यारा पार्सल भेजा है, तो मैं इसे अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ। मुझे वैसे भी लेने का बहुत मन कर रहा था। ओह माय गॉड, इट्स टू मच। बहुत सारा सामान भेजा है जिसने भी भेजा है। वाओ, मुझे एक एक खोलने में टाइम लगेगा, बट गाइस वाओ वाओ गोलू, बहुत सारा सामान भेजा है। थैंक यू सो मच ब्यूटी पीपल, इन्होंने मुझे बहुत सारा सामान जो कि यहाँ पे नहीं थे हमारे पास, तो अब हमारे मेकअप में ये भी इंक्लूड हो गया है। आप लोग देख सकते हो जो हमारा पार्सल आया था आज मेरा और पायल के लिए, मेकअप का सामान का, उसको चीकू ने पूरा का पूरा डिस्प्ले में लगाया है। और ये बोला है चीकू, अगर हम इसे टच करेंगे तो क्या होगा, आप संभाल के रखोगे? मतलब जो भी अगर हमें चाहिए मेकअप का सामान, हम यहाँ से उठा के यूज कर सकते हैं और वापस हमें यहाँ ही रखना है। और ये चीकू ने पूरा डिस्प्ले में लगाया है, आप लोग देख सकते हो बहुत ही सुंदर तरीके से। मान जी किचन में है और सूरज भैया यहाँ पे हैं, तो शाम के बजे हैं 6, तो कुछ बताइए। तो बहुत ही हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम सोने वाले हैं दोबारा से। आपका टाइम खत्म था ना, टास्क था बच्चों का करने का। रात की बात गई, बात ऐसी है। कोई बात नहीं, अभी जब कैमरा हट जाए ना, मुर्गा बना के मारेंगे ना सब सबको। तो गाइस अभी हम उठे हैं, दोबारा सोएंगे, अभी हमारी 6 घंटे की नींद हुई है, तो हम 6 घंटे और सोएंगे एक्स्ट्रा। तो रात को मतलब माहौल ऐसा हो गया है, तो कमेंट में आप ज़रूर बताना जो लोग रात को जागते हैं सुबह सोते हैं। पराठे आ गए मेरे, तो सब लोग पराठे खा रहे, सो ही नहीं है रात से, तो अब खा पी के सोएंगे। और दोपहर के बज गए हैं 12। मज़ा आ रहा मंदीप भाई? मज़ा आ रहा। तो गाइस कईयों का सवाल था कि पायल का फिटनेस का राज क्या है, ये पराठे हैं, तो गलती से भी इनको डाइट फॉलो मत करना। नहीं दिला देता हूँ ना, क्या जोड़ना, यही जोड़ू ठीक है। मैं चलो ठीक है सर, मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो गाइस ये कृतिका ने बनाया मेरे लिए ऑमलेट, तो मैडम सामने बैठी है बिना मेकअप के, तो खाओ ना बेबी। नहीं आप खाओ पहले। क्यों? आप खाओगे अगर आपको अच्छा लगेगा तभी मैं खाऊंगी। अच्छा। तो थोड़ा पहली बार ट्राई करें यार ऑमलेट, तो पहले आप ट्राई करो। चलो ग्रहण कर दे भगवान का नाम लेके, ध्यान से ग्रहण में खा लेना पायल। मेरे को नींद नहीं आएगी आपको बताना, ले जाओ ना। चीकू ने गाइस मीठा छोड़ दिया बिल्कुल, अब चीकू पराठा खाया करेगा सुबह भी और शाम को भी। घर के हमारे सदस्य है, खुद खाओ खुद धो तो जिंदगी चलेगी अच्छी, नहीं तो पहननी पड़ेगी आपको भी गंदी मैली कच्ची। चीको 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 चीको, क्या हुआ क्या हुआ? बापा की शादी है? हाँ बैठो।
तो पायल मेकअप कर रही है एक वीडियो के लिए, सिर्फ एक वीडियो के लिए। एक मेकअप से मूवी तो दो तीन वीडियो। हाँ तो ये टेम्परेरी है ना। हाँ टेम्परेरी बस अभी, तो ऐसे करके सो सकती है। हाँ हाँ चलो ठीक है। वेरी गुड पायल, वेरी गुड पायल, वेरी गुड। अभी अभी एक मजाक हो गया थोड़ा सा, तो ये पानी जो पिला रहे थे ना, ये पानी मतलब प्योरीफाई नहीं था, तो ये पानी मुस्कान जो है टंकी में से भर के ले आई थी, तो मैंने देखा था उसको भरते हुए, तो मैंने वही सोचा, मैंने कहा ये पी तो रहे हैं, पीते भी इनको है ना, पानी बोला पानी लिया है, लेकिन अब बाद में इनको पता ही नहीं कि पानी का क्या था, पानी का सेज भी देखो उनको ऐसे आ रहा है। अरमान भाई अभी वॉशरूम से आएंगे, और मंदीप भाई को आप देख सकते हो कि आप लेटे हुए हैं, वो अभी हाई कर रहे हैं, लेकिन अभी वो सोने वाले हैं, और लाइट की तैयारी चल रही है, लाइट मैन अपने लिए तैयार कर रहा है। मुस्कान बीच में खड़ी है, मुस्कान थोड़ा साइड में हो जाओ। फायरमैन जरा लाइटिंग तैयार कर रही है, और आप देख सकते हो अरमान भाई को बस वेट कर रहे हैं कि कब लाइट जले तो मैं अपना शूट चालू करूँ। एक्शन स्टार्ट हो चुका है, अभी आप देखें, थोड़ा साइलेंट होना पड़ेगा मुझे। पानी गिर के आ जा कुछ, लेट हो गया, तो शूट थोड़ा वही मैं बोलने वाला था कि अच्छा, थोड़ा लेट हो गए हैं, मतलब मंदीप भाई थोड़ी जल्दी उठ गया, मैं थोड़ा सब हाँ एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी फ़िलहाल यहाँ पे माजिद भाई खड़े हैं, कालू भाई खड़े हैं, अब ये कुछ करा है, और फिर वही गलती होगी जैसे पहले थी, शॉट लेने में थोड़ी सी जल्दी होगी। चलो तो आप बने रहें, मैं आपको आगे की वीडियो में दोबारा आपको दिखाऊंगा। भाई ये कार्टून देखने के चक्कर में गेट बंद कर लेता अंदर से, और जब खोलता है कुंडी तो इसको चोट लग जाती है। आज समझा दे भाई, ये देखो देख रहो, आज फिर लगी इसकी चोट। देखो समझाया था बच्ची को कि नहीं गेट नहीं खोलना, आपको नहीं बंद करना। ये देखो यहाँ लग चुकी है इसे। चलो रोता नहीं है, ब्रेव इतने। चलो कोई